हाय एवरीवन, दिस इज ममता सिंघवी फ्रॉम लक्ष्य एमबीबीएस। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं उन सभी स्टूडेंट्स से बात करूंगी जो अब्रॉड में एमबीबीएस करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इंडियन स्टूडेंट्स बहुत सारी कंट्रीज में जाते हैं एमबीबीएस के लिए, बट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन इज द वेरी पॉपुलर कंट्री अमंग इंडियन स्टूडेंट्स। वहाँ जब भी कोई स्टूडेंट्स जाते हैं तो उन्हें कौन कौन से पॉइंट्स पर ध्यान रखना है, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूक्रेन जाते वक्त आप अगर काउंसलिंग ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपको किन पॉइंट्स पे फोकस करना है, सो देट कि आप फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूक्रेन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स जब यूक्रेन से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, बहुत टफ नहीं होता है। तो वहाँ पर आपको जाने के लिए 17 ईयर की एज चाहिए, मिनिमम आप 17 ईयर्स होने चाहिए जिस ईयर में आप जा रहे हैं टिल दिसंबर तक। उसके साथ साथ आपको पीसीबी में 50% मिनिमम चाहिए। और तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है नीट क्वालिफिकेशन, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट इजीली कर लेते हैं। तो ये तीनों क्राइटेरिया हमें यूक्रेन में एमबीबीएस करने के लिए चाहिए। यूक्रेन में एमबीबीएस करने के लिए साथ साथ हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद क्या देखना चाहिए, तो वो है कोर्स ड्यूरेशन। इंडिया से जब स्टूडेंट्स यूक्रेन जाते हैं तो उन्हें 6 ईयर का कोर्स मिलता है। यूक्रेन में आपको 6 ईयर की डिग्री मिलती है जिसे एमडी डिग्री बोलते हैं, बट वो इंडिया की एमबीबीएस डिग्री के इक्विवेलेंट है, बस वहाँ पर उसको एमडी बोला जाता है। तो वहाँ पर 6 ईयर कोर्स है और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ 5 ईयर कोर्स भी है, बट यूक्रेन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ये पहले ही देख लें कि वहां का कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर है। इसके साथ साथ थर्ड जो पॉइंट स्टूडेंट्स को देखना चाहिए एमबीबीएस करने के लिए, वो ये देखना चाहिए कि वहां का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है। सो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वहां पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, वहां की फैकल्टीज कैसी है, वहां पर बिहेवियर कैसा होता है, सीनियर जूनियर कैसे रहते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में मैं बात करूंगी कि यूक्रेन का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर पूरे 6 ईयर आपको इंग्लिश में टीचिंग दी जाती है। फ्रेंड्स, कुछ कंट्रीज की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर किसी दूसरी लैंग्वेज में भी पढ़ना होता है, जो कि बहुत टफ है, बट यूक्रेन में इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है जिसमें आपको पूरे 6 ईयर इंग्लिश में ही फैकल्टीज पढ़ाते हैं। साथ ही साथ यहाँ हम देखें कि यहाँ के फैकल्टीज कैसे हैं, तो यूक्रेन की जितनी भी फैकल्टीज है वो वेल एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि यूक्रेन की मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, इवन ऑल यूनिवर्सिटी मोर देन 100 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटीज है, तो वहाँ के जो फैकल्टीज है उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, एज वेल एज वहाँ कौन सी लैंग्वेज उनको समझ में आती है ये भी उनको बहुत ही अच्छे से ध्यान है। साथ साथ में वहाँ की जो फैकल्टीज है उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ की फैकल्टीज के साथ बिहेवियर करने में बहुत कंफर्टेबल फील है करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है। साथ ही साथ मैं देखूंगी कि वहाँ एक फैकल्टीज पर 12 से 15 स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, हर स्टूडेंट्स पर फोकस करते हैं वहाँ के जो फैकल्टीज है वो। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में हमें बहुत ही अच्छा वहाँ पर मिलता है। आप किसी भी एंगल से देखें तो यूक्रेन का एमबीबीएस बहुत ही पॉपुलर है इंडियन स्टूडेंट्स में, वो इसीलिए है कि वहाँ पर हमें एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है। यूक्रेन में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ हम देखेंगे कि वहाँ पर एक क्रॉप एग्जाम होती है। आजकल जब से वो क्रॉप एग्जाम के बारे में स्टूडेंट्स ने जाना है या दी है, तो इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ही डर गए हैं, वो सोचते हैं कि क्रॉप एग्जाम बहुत टफ है। तो मैं आपको बताऊं कि ये इतनी टफ नहीं है जिससे कि स्टूडेंट्स डरे। आपको क्रॉप 1 एग्जाम होती है जो थर्ड ईयर में है, और थर्ड ईयर में आपकी जब क्रॉप एग्जाम ली जा रही है क्रॉप 1, तो उसमें वही क्वेश्चंस या वही कोर्स है जो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपने स्टडी किया है, कोई नया कोर्स नहीं है। साथ ही साथ क्रॉप 2 एग्जाम भी वैसी ही है, 6 ईयर में जब आप क्रॉप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी वही कोर्स है जो आपने अभी तक पढ़ा है। तो क्रॉप 1 एग्जाम और क्रॉप 2 एग्जाम वहाँ की क्वालिटी को और हाई करते हैं, वो आपसे एक ऐसी एग्जाम लेके आपको अपने आप को प्रूफ करने का मौका दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपको पता है कि कोई एग्जाम होने वाली है जो हमें
आगे बढ़ने से रोक सकती है, तो आप उसके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं। तो क्रॉप वन और क्रॉप टू एग्जाम यूक्रेन की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हाई करती है। ये एक बहुत टफ एग्जाम नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर मोर देन 16-17 यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पर सारी यूनिवर्सिटी अच्छी है। किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जाए तो ये डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई सी भी क्लास, इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, सभी जगह हम देखते हैं कि सेम टीचर पढ़ाते हैं, बट हर स्टूडेंट का स्कोर अलग है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि यूनिवर्सिटीज तो हम सारी अच्छी हैं, बट हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी अच्छी पढ़ाई करते हैं। सभी स्टूडेंट्स ही यूनिवर्सिटी को अच्छी बनाते हैं, बट फिर भी जो हमने इतने सारे स्टूडेंट्स को यूक्रेन भेजा है MBBS के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि यूक्रेन में टॉप 3 मेडिकल यूनिवर्सिटी पे अगर हम जाएं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो यही पूछते हैं कि आप टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी बताओ। तो टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी है लव्यू नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। सेकेंड अगर हम बात करें हमारे एक्सपीरियंस पर तो टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंडियन स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं यहाँ पर। और थर्ड में हम देखते हैं विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी भी इंडियन स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर है, बहुत स्टूडेंट हर साल जाते हैं। तो इन टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी का हम देखते हैं कि क्या इनकी ट्यूशन फीस है, हॉस्टल, इन लिविंग कॉस्ट, इनका मेडिकल इंश्योरेंस, सब कुछ अगर हम देखते हैं तो ही हम एक बजट बना पाते हैं या हम देख पाते हैं कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम कौन सी टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी जाए जिसमें हम अच्छे से MBBS करें। तो आज हम देखते हैं ये टॉप 3 मेडिकल यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मैं बताऊंगी लव्यू नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसकी ट्यूशन फीस है $4,900 पर ईयर। लव्यू का हॉस्टल $800 पर ईयर है, और यहाँ पर ईयरली बेस पर जो हम मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं उसका चार्ज होता है $100 पर ईयर। जैसे कि मैंने बोला था कि सेकेंड नंबर पे टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसकी ट्यूशन फीस $4,400 पर ईयर है, यहाँ का हॉस्टल $650 पर ईयर है, और मेडिकल इंश्योरेंस जो कि ईयरली होता है वो यहाँ पर भी $100 पर ईयर में आपका हो जाता है। थर्ड अगर हम यूनिवर्सिटी देखें, जो मैंने टॉप 3 मेडिकल यूनिवर्सिटी बताई थी, उसमें थर्ड में विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसकी ट्यूशन फीस $5,000 पर ईयर है, इसका हॉस्टल $500 पर ईयर है, और मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पर भी आपको $100 पर ईयर लगता है। ये तो हमने देखा ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, बट जब स्टूडेंट हमारे पास आते हैं तो वो पूछते हैं कि हमें कंप्लीट बताइए, हमें कंप्लीट बताइए। तो इसके साथ साथ आपको फूड लगता है और कुछ आपका पॉकेट मनी लगता है। तो मेजर चीज मैं आपको बताई हूँ, और साथ साथ आप देख लीजिए कि इसका जो हम देख लेते हैं मंथली एक्सपेंसेस या ईयरली एक्सपेंसेस या जिसको स्टूडेंट लिविंग कॉस्ट बोलते हैं, हॉस्टल जैसे मैंने हर यूनिवर्सिटी का बताया अलग अलग है, लिविंग कॉस्ट इसका हम देखते हैं $100 पर मंथ में हम फूड हो इसका ले सकते हैं। यूक्रेन की कोई भी यूनिवर्सिटी में आप $100 पर मंथ में फूड ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी पॉकेट मनी जैसे मैंने बताया तो 7,000-8,000 पर मंथ में आपकी पॉकेट मनी हो जाती है, जिसमें अगर कभी आपको स्टेशनरी लाना हो या कभी आपको बाहर जाना है तो उसमें ट्रांसपोर्ट आ जाता है, या कभी आपको चाय कॉफी लेना है, क्योंकि फूड तो आपका हो ही गया है, तो साथ साथ पॉकेट मनी आपका 7,000-8,000 रुपए पर मंथ में हो जाता है। तो ये है टॉप 3 मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन में बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट भरे हुए हैं बहुत मात्रा में, हर साल स्टूडेंट्स यूक्रेन जाते हैं। आपको अगर यूक्रेन जाना है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और फिर भी अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपके कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव जो यूक्रेन जाना चाहते हैं, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मैं आपको टाइम टू टाइम हर कंट्री, हर यूनिवर्सिटीज के बारे में जो भी आप जानना चाहेंगे वो बताऊंगी। थैंक यू।